हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो के सब आपके थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम खेल रहे हैं फोर्टनाइट और वो भी एंड्रॉयड में। तो मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली फोर्टनाइट जो है वो एंड्रॉयड में रिलीज़ हो चुका है। और अभी फ़िलहाल मैं आपको एक दो इसके कॉन्स बताऊँगा। प्रोज तो हैं कि रिलीज़ हो गया है, चल रहा है, प्लेबल है, लेकिन कॉन्स इसके ज़्यादा हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं जैसे बता दूं आपको, जहां तक पता होगा अभी तक एंड ये जो फोर्टनाइट था वो बीटा में था, अभी भी फाइनली रिलीज़ नहीं हुआ है प्ले स्टोर पर। अभी ये सिर्फ एकदम हाई एंड डिवाइसेस जैसे कि सैमसंग के S9 सीरीज़ में आया है, सैमसंग में मेनली ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। और दूसरी जो मैं मेन बात करना चाहूँगा वो ये होगी कि जो भी आपका जो भी हाई एंड डिवाइस है आप उसी के अंदर सिर्फ इस फोर्टनाइट को खेल सकते हैं। आप कोई भी अपने लो एंड डिवाइस में फोर्टनाइट आपके अंदर नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी फिर ये भी है अगर आप लो एंड डिवाइस पे कहीं से भी क्रैक या कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो फिर आपके अंदर वो लैग करेगा। आप चाहे तो बस शौक के लिए डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हाँ फोर्टनाइट आ चुका है, लेकिन मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। फालतू का नेट या फिर अपनी स्टोरेज ख़राब मत कीजिए। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं अभी मैं आपको गेम प्ले करके ही दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, पहले मैं एक दो चीज़ें देख लेता हूँ अभी। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक चीज़ और कि अभी आप जैसे देख सकते हैं फोर्टनाइट हम खेल रहे हैं, तो फिर मैं बताऊँगा अभी तो मैं S9 पे खेल रहा हूँ तो बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा और एकदम मस्त चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके मोबाइल पर ये लैग करे, ठीक है। तो लैगिंग की प्रॉब्लम तो अभी होगी, क्योंकि जब तक ये फुल्ली रिलीज़ हर एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए नहीं हो जाता तब तक लैगिंग आएगी। जैसे ही पबजी स्टार्टिंग में आया था तो उसके अंदर भी काफ़ी लैगिंग थी, तो उसी तरह फोर्टनाइट में भी अभी भी काफ़ी लैगिंग है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लैगिंग ना फेस करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आराम से जब इसकी फ़ाइनल रिलीज़ आए तभी आप इसे डाउनलोड करें, फालतू में अपना नेट वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी मेन बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स उतने के उतने हैं, एक दो बढ़े जा रहे हैं, जबकि अब मैं पहले ही हफ्ते पे डाला करता था, अब 6 दिनों में वीडियो डाला करता हूँ। तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल अच्छा नहीं चल पाएगा तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे चैनल बंद ही करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे मैं देखता हूँ, मैंने एक और छोटे चैनल को चेक करा, उसके अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स हो रखे थे, मैंने उसकी वीडियो देखी। मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन रियलिटी यही थी, घटिया थी यार उसकी वीडियो। मैं इतनी अच्छी खासी एडिटिंग करके इतनी मेहनत लगाता हूँ अपनी वीडियोस में और आप लोगों की व्यूज़ ही नहीं देते हो, ना ही शेयर करते हो, व्यूज़ देखते ही भाग जाते हो। एक लाइक तो कर दिया करो यार, आपका क्या जाता है, बस एक लाइक बटन बनाई तो है लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब बटन बनाई तो है सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे वो कौन सा छोटा चैनल है, तो आप देखिए 5G टेक्निकल डालिए, ऊपर में एक ब्लू कलर के आइकन का आ जाएगा। मैंने उसकी कंटेंट देखा, वो कंटेंट उसका यार एकदम बेकार था, वो एकदम बेकार सी बताइए स्पेसिफिकेशन बता रहा है फ़ोन की, और उसमें भी वो टाइम मास्टर को ही यूज़ कर रहा है और इमेजेस भी ऊपर नीचे बस फ्लिकर कर रहा है और उसके साथ पढ़ पढ़ के बोल रहा है, तो भला ये क्या कंपैरिजन होता है। और यहाँ तक कि उसकी उस वीडियो में 300 व्यूज़ आ गए। आज तक मेरी एक सबसे मेन जो मेरी वीडियो थी जो सबसे मैंने सेकेंड में डाली थी उसको खुद हाईएस्ट मेरे 127 व्यूज़ है और उसकी एकदम बेकार सी वीडियो को 300 व्यूज़ आ गए। तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी सारी रिसर्च कर रहा हूँ और साथ ही साथ अपना टाइम भी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग है कि सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं ज़्यादा इस सब्सक्राइबर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं करना चाहूँगा। आप में से बहुतों ने कमेंट करा कि हमें गेमिंग चैनल स्टार्ट करना है और साथ ही साथ मुझे ये भी कहा कि गेम प्ले करा करूँ, तो ठीक है मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड करा है अभी, उसकी एडिटिंग बाकी है, उसे एडिट करके जल्दी डाल दूँगा। और गेम जो है वो है लेफ्ट फॉर डेड 2, तो मैं जैसे कि आपको गेम बता ही चुका हूँ, तो फिर वो ज़ॉम्बीज़ का है, वो मैं आपको गेम प्ले करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। अब जो दूसरी बात मैं करना चाहूँगा आपके साथ वो ये है कि आप में से बहुतों ने कहा था कि हमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसी के साथ उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। और एक और बंदे ने डाला हाउ डू यू मेक योर थंबनेल्स, तो शायद से उसे मेरे थंबनेल्स काफ़ी अच्छा लगे, और थंबनेल्स ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपकी यूट्यूब वीडियो चल पाती है। तो अभी मैं जैसे कि ये फोर्टनाइट का वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे पहले ही मैं एक वीडियो रिलीज़ कर दूँगा हाउ टू मेक थंबनेल्स, और उसके अंदर मैं फोर्टनाइट का ही थंबनेल बनाऊँगा, ठीक है। तो फिर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वही वीडियो रिलीज़ होगी, मैं भले ही इसे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन वीडियो वही रिलीज़ होगी इससे पहले। और एक दो और दो तीन चीज़ें हैं वो भी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, और अब मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी थोड़ा टाइम दीजिए, और एक सब्सक्राइब बटन दबाने में कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं,
अगर आपका इंटरनेट तेज़ होगा तो बिना किसी देरी के, बहुत देर अब मैं ले चुका हूँ, तो अब थोड़ी सी देर में अब मैं गेम प्ले अपना स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके पहले मैं एक दो चीज़ें चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे एक दो चीज़ें मतलब अपनी कंफिगर करनी थी, तो फिर मैं वो कर लेता हूँ, उसी के बाद जाके मैं गेम प्ले स्टार्ट कर दूँगा। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी हमारे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। 400 सब्सक्राइबर्स अगर मेरे हो गए तो यार 40% का पेटीएम कैश गिव अवे कर दूंगा यार। लेकिन उसके लिए जल्दी से जल्दी मुझे 400 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और वो गिव अवे एकदम रैंडम होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, कमेंट डालना है, अपना नाम लिखना है, पेटीएम नंबर, और ध्यान रखें कि KYC हो चुकी है आपकी। अगर KYC नहीं होगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो फिलहाल 2 मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, इसलिए अपने इस वीडियो को टाइम लैप्स में ले जाता हूँ। Call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him